There was no father, and suddenly the father has come. Who and who is what and oh God. पुरी से इतना दूर चले गए, इतना हट चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. Everything that they said, there's no point of repeating it. जो इनके जो हमारी जो बॉस लेडी है, माफिया बॉस मेहरीन, इनके अब्बा वॉज गायब थ्रू आउट. ठीक है, जब मेहरीन और इसके क्या नाम है बच्चे का, शामीर, हाँ, इसके अब्बा जब वो प्लॉटिंग और प्लानिंग कर रहे, दे वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, वही कर रहे, एंड देयर वाज नो फादर, एंड सडनली द फादर हैज कम, एंड द फादर हैज कम एंड ही इज थ्रेटनिंग दिस गाय कि नेक्स्ट टाइम यू रेज योर वॉइस टू मी आई एम गोइंग टू किल यू. एंड आई डोंट गेट इट, आई मीन आई डोंट गेट हु इज हु एंड हु इज व्हाट एंड ओह गॉड. ओके जी, ओके. आपने इतना एक्स्ट्रा बीच में डाला उसको खींचने के लिए कि आप मेन स्टोरी से इतना दूर चले गए, इतना हट चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है. एंड और आप ओपनली अग्री कर रहे हैं कि हाँ, कपल इज नंबर. So I like this one line, जब ये ऑफिस आता है और अब्बा से कहता है कि यू टेक ओवर द department because it's become too corrupt. Ha, what is his authority? He's the head of the party. Nahi, head of the party, that's what he said. Head of the party hai na, mulk chalane mein government ke ek employee ko head of the department banane mein usi government ka chief minister laga hua hoga na, to keh sakta. Ha, so usme ek line hoti hai na, jab wo kehta hai ki lekin log kya kahenge, tum mere damad ho, tumhare, वो कहते हैं आप और मैं सिर्फ अल्लाह को जवाब देंगे, किसी और को नहीं. नाउ दैट्स अ लवली लाइन, हाँ, बिकॉज इट सेज ह्यूमंगस थिंग्स अबाउट अस, आर सोसाइटी, जितना हम इंटरफियर करते हैं, किसी को क्या भी, कोई अपनी जिंदगी गुजार रहा है, गुजार, लेकिन वो इतनी लॉस्ट हो जाती है ना इस पूरे इतने 23 मिनट के ड्रामे में. एक लाइन कैसे आप बड़ी कमाल की याद रही. एंड दीज आर दोज लाइंस जहां आप वो कहते हैं ना कि आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, वो सिचुएशन का जब एंड आता है तब आप जाके ना कोई ऐसी मजे की लाइन या ये वाली दूसरी, यू नो. लेकिन आई वाज थिंकिंग दैट ओ माय गॉड, यू नो व्हाट अ लवली थिंग टू से, एंड येट इट्स लॉस्ट, इट्स टोटली लॉस्ट. अच्छा, फिर जो अब्बा थे जो इस लड़के के इतने खिलाफ थे, अब तो वो बेटा आओ इधर बैठो चाय पियो, ही सडनली डन 180, मीनिंग इन द सेंस कि ही सॉर्ट ऑफ सेड कि डजंट मैटर इफ यू आर अ सन ऑफ अ करप्ट ह्यूमन बीइंग और डजंट मैटर हु यू आर, आई विल एक्सेप्ट यू एज माय सन इन लॉ. कहीं ना कहीं तो मैं कहती हूँ कि एक फॉर्मेलिटी इनके उसमें होनी चाहिए थी. इतना आपने उसको फॉरगिव कर दिया ऑफ एवरीथिंग जस्ट बिकॉज़ ही इज मैरिड. शिब्रा ने कहा था ना कि आप सिर्फ उसको दाऊद, उसके बाप का नाम है, दाऊद का बेटा समझ रहे हैं, आप उसको उसकी माँ का बेटा, भी समझ रहे हैं. लेकिन वो समझ गए, समझ गए, बल्कि वो तो उसकी स्पीच सुन के कहते भी हैं. आप मुझे ये कहें किसी टेढ़े आदमी, उस आदमी के जिसने झूठ बोल बोल के आपकी बेटी को क्या कहते हैं हासिल किया, जिसने कभी एक घर में झूठ बोल के रहा, झूठ बोल के रहा, आपने कभी एक दिन ऑफिस में नहीं गुजारा, वहाँ आप ब्राइब देते रहे उस लड़के को, आप इसके बाद सडनली बी लाइक कोई बात नहीं है, आप लॉजिक सही बात खत्म, बात खत्म. वाओ, व्हाट अ वाओ, यू आर राइट ओवर देयर, रियली राइट. कितना नंबर राइटिंग है आपको? द ओनली थिंग दैट आई एम अ लिटिल वरीड अबाउट इज जब दोनों बाप मिलते हैं ना, तो वो कहता है ना कि अपना ख्याल रखना, और ये जो कह के गए हैं, चलो ठीक है, इफ शिब्रा ना मिले तो शायद अब्बा को मारे. ये मेरा एक क्वेश्चन आया, हाँ, जिसपे मैं जरा घबराई. मेरा ख्याल है अब मार ही दें किसी ना किसी, खत्म करें अब सबको मारना, ड्रामा को मार दिया है, अब मैं ख्याल उनको भी मार देंगे. इन्होंने 4 दिया, इन्होंने 4 दिया, मैं 4.5 दे रही हूँ. 0.5 के लिए क्लैप हो जाए. मैंने तालियों के साथ चार दिए. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है. अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. अच्छा जी, अब राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए 11,500 हुए, अब्दुल खालिक खान साहब के हिस्से में 6,325, 55% 5.5. ऑडियंस को ड्रामा समझ आ रहा है, हमें नहीं आ रहा, प्लीज हमें बताइए. हमारे रिव्यू सुन के अब्दुल खालिक इज लाइक,
जो कुछ कहना है कह दो। डायरेक्शन की बात की जाए, फारूक रेन फारूक काम अच्छा करता। देखे डायरेक्शन आखिरी सीन की बहुत अच्छी डायरेक्शन काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन इन सारे एपिसोड में मुझे फारूक रेंदी नहीं नजर आ रहा है। ये जो भी लास्ट की जितनी भी सारों से नजर हाँ मतलब यही मैं कह रही हूँ, लास्ट जितनी भी जा रही है ना, शुरू में हमने इश्क मुर्शिद देखा, हमें उससे बाकी बड़ा प्यार भी हुआ और हमें अच्छा भी लगा। सारे शॉट्स भी बड़े बेहतरीन थे। शुरू में भी मैं आप लोग के शो में आई थी, तब भी मैंने कहा था मुझे यहाँ डायरेक्टर नहीं दिख रहा कि वो एक ही पार्क में उसकी क्या कहते हैं दाढ़ी भी बना रहा होता है, वो एक ही पार्क में घूम फिर भी रहे होते। मतलब आई एम सॉरी टू से, डायरेक्टर का काम होता है कि लोकेशंस को चेंज करना, थोड़ा अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना। तो आई एम सॉरी, मुझे फारूक रेन इसमें नहीं दिख रहा। जहाँ कहीं दिखा था वहाँ मैंने तारीफ की थी, लेकिन लास्ट एपिसोड में, ये लास्ट तो पता नहीं कब आनी है लास्ट, लेकिन इन ये जो एपिसोड्स हैं इनमें तो बिल्कुल ही एज अ डायरेक्टर वो कह सकता है कि यार ये तो बड़ा बुरा लिखा हुआ है, ये जुमला नहीं जाना चाहिए था, या ये वो मुंह पे आके बोल रही है कि हमने मरवाया है, या वो जो बैठी हुई कह रही है कि अच्छा बाहर कैसे जाएंगे, अब्बा को क्या पता चल, भाई तूने शादी करने से पहले उसके पास पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ, ये सब कुछ अब्बा को तो पता नहीं चला, अब बाहर कैसे गए, कब तुमने वीज़ा डाला, कब तुमने अप्रोच करी, वो अब्बा की तुम्हें इतनी फिक्र पड़ गई, मतलब कुछ चीज़ें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे एज इसमें डायरेक्टर तो आई एम सॉरी फारूक रेन, बहुत माजरत के साथ 4। लास्ट सीन हाय हाय ऐसा तो उस पर अभी दोबारा देखना पड़ेगा क्योंकि वो अब रिकैप आएगा होगा। सो इस टॉर्चर के लिए 4 है ना। हाँ महीना जी 4.5 देख ले, जस्ट एंड हाफ जस्ट बिकॉज। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, अभी इन तीनों के 4 और 4.5 पे अभी ऑडियंस ने क्या कहा, मैं बताती हूं, ये ऑडियंस ने कहा टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन में वो 11,900 हुए हैं और इश्क मुर्शिद से फारूक रेन साहब के हिस्से में आए हैं 6,426.54% बनते हैं 5.4। तो बात कर ली जाए दुर्रे फिशा सलीम की। सादिया देखिए, उस बच्ची को जितना काम दिया जा रहा है, जो लिखा हुआ दिया जा रहा है, वो अपने हिसाब से सही कर रही है। वो अभी उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है कि जहाँ वो किसी भी डायरेक्टर या राइटर के सामने खड़े होकर ये बोल सके कि यार ये आई एम सॉरी टू से मैं नहीं कर सकती। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लिखा हुआ ही बोलेंगे, डायरेक्टर के सामने नहीं बात करेंगे, उनको लगता है हमारा अगला ड्रामा भी चला जाएगा, हमारा इस जो प्रोडक्शन हाउस है वो समझेगा कि हमारे बड़े नखरे, जबकि नखरे और चीज़ों में मेंशन कर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कहती हूँ अच्छे जगह पे बोलना बड़ा ज़रूरी होता है, जहाँ आप खुद कन्विंस नहीं हो रहे, एज एन आर्टिस्ट नहीं कह रही, आप देखने वाले सबसे